हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपको ले चलते हैं मेरे सेकंड ब्लॉग में। और तो आज का ब्लॉग है नया रेस्टोरेंट। नए रेस्टोरेंट के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि सुल्तानपुर में अभी नया खुला है। और वहाँ पे हम बच्चों को लेके जा रहे हैं। बच्चों को बहुत दिन से बाहर जाने का मन था, रेस्टोरेंट में खाना खाने का मन था, तो हम लोग लेके आ गए हैं रॉयल स्टोर रेस्टोरेंट में, क्योंकि अभी सुना है मैंने नया खुला है। और अब कितना नया है ये मुझे नहीं आइडिया। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर से मैंने आपको दिखा दिया है। और ये देख सकते हैं स्टूल, ढोलक की तरह यहाँ पे स्टूल लगी है और ढोलक की बनावट का ही यहाँ पे सेंटर टेबल भी लगा हुआ है। और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, बच्चे हमारे इस पर बैठ के बहुत खुश हो रहे हैं। और अब चलिए अंदर चलते हैं। अंदर यहाँ पर छोटी सी बेकरी भी है, जिधर आपको केक वगैरह मिल सकता है। और बेकरी में जो भी चीज़ें लेना चाहें आप, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। और यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा है, यहाँ की सर्विस भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फोटो पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है, जहाँ पे हम लड़कियों को सेल्फी लेने में बहुत मज़ा आता है और फ़ोटो खिंचवाने में। तो इस रेस्टोरेंट में वो चीज़ें भी है। तो यहाँ का बनावट आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और यहाँ लोगों का बहुत अच्छे अच्छे ध्यान रखते हैं। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। और हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया था पिज्ज़ा, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राई और गार्लिक ब्रेड। तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और बच्चों ने लिया था किट कैट मिल्क शेक, जो कि काफ़ी टेस्टी था और हमारे लिए नया था वो। और बच्चे यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के बहुत खुश थे। और आप बाकी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। सैटरडे का दिन है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और भीड़ होती ही जा रही थी लगातार। हम लोग टाइम से पहुँच गए और हम लोग खाना खा के वहाँ से टाइम से निकल भी आए। ये बच्चों ने डोनट लिया है और बर्गर एंड फ्रेंच फ्राई। और हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फी भी ली थी, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ सेल्फी पॉइंट फ़ोटो पॉइंट भी है। और कहीं जाओ और वहाँ की फ़ोटो और वहाँ पे सेल्फी ना लो तो फिर जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता आजकल तो। तो ये मिल्क शेक है, किट कैट मिल्क शेक, आप देख सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट हम लोग को बहुत पसंद आया। और यहाँ सुल्तानपुर में अच्छे रेस्टोरेंट मिले ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ रेस्टोरेंट यहाँ पे नए खुले हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और हम लोग पहले लखनऊ में रहते थे तो वहाँ के हिसाब से यहाँ पे था नहीं, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें हो गई है तो हम लोग को काफ़ी पसंद आया यहाँ ये रेस्टोरेंट। और यहाँ का खाना और यहाँ की सर्विस सब कुछ काफ़ी अच्छा था। ये रेस्टोरेंट प्रयागीपुर चौराहे के पास ही है। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए या मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम जब भी अपनी कोई नई वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे या अपने चैनल पर डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचेगा। और मैं ब्लॉग के साथ साथ किचन का भी काम करती हूँ, तो जब भी मैं कोई नई डिश बनाऊँगी तो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। थैंक यू। वीडियो को एंड तक देखें, मैंने कुछ वहाँ की पिक्चर भी अपलोड की है जिसे देख के आपको आइडिया लगे।